हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और हम सेकंड लेक्चर में, इंग्लिश आर्मी के सेकंड लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुड मैनर्स इन इंग्लिश। तो मैनर्स जो है वो शिष्टाचार जो है वो इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मैनर्स के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला वर्ड है इसमें प्लीज़। तो आप किसी से जब कभी कोई रिक्वेस्ट करे तो प्लीज़ का यूज़ करें, जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन। जब किसी को आपको धन्यवाद देना हो तो तब यूज़ होता है ये थैंक्स, इसका मतलब होता है धन्यवाद। प्लीज़ मतलब कृपया। वेलकम स्वागत है, ठीक है। काइंडली ये रिक्वेस्ट के सेंस में यूज होता है, जैसे प्लीज और काइंडली दोनों एक ही तरीके से यूज होता है। तो काइंडली गिव मी योर पेन ये ओल्ड फैशन में यूज होता था। अलाउ मी का मतलब होता है मुझे अनुमति प्रदान करें, ठीक है, मुझे अनुमति प्रदान करें। तो इसके साथ में आप प्लीज भी यूज कर सकते हैं, प्लीज अलाउ मी इन द क्लास, प्लीज अलाउ मी इन द क्लास, कृपया मुझे क्लास में अनुमति प्रदान करें। सिक्स नंबर पे आता है आफ्टर यू। आफ्टर यू कब यूज होता है? जब हम किसी से बोलते हैं कि नहीं पहले आप चलिए, जैसे कोई बड़ा हमारे साथ में है वो बोलता है आप खाना खाइए, तो हम क्या बोलेंगे? आफ्टर यू, मतलब आपसे बाद में हम काम को शुरू करेंगे, तो आफ्टर यू उस सेंस में यूज होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश में है सॉरी, माफी मांगने के लिए। अक्सर हम जानते हैं गलतियां सबसे होती है बड़ों से छोटों से सबसे होती है, तो सॉरी का यूज किया जाता है। सॉरी ये जो है माफी मांगने के संदर्भ में यूज होती है। अब आगे देखिए, एक वर्ड है जिसको लिखा है एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी। तो ये शब्द कहाँ यूज होता है इसको देख लीजिए। जब कभी हमको रास्ता मांगना हो किसी से, मान लो आपको निकलना हो और कोई रास्ते में खड़ा हो तो आप एक्सक्यूज मी बोलेंगे, या किसी के बीच में बैठे हुए हैं आप, आपको अचानक उठ के जाना है, कॉल आ गया है, तो एक्सक्यूज मी बोलेंगे। एक्सक्यूज मी हर जगह बोला जा सकता है। आप किसी को डिस्टर्ब करने वाले हैं एक्सक्यूज मी बोल दीजिए। तो एक्सक्यूज मी जो है एक ऐसा शब्द है जो कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही वाइटल रोल है इसका, काफ़ी वास्ट रोल है। पार्डन, ये जब कभी फोन पर आप किसी से बात कर रहे हैं सुन नहीं पाए, या आमने सामने किसी को सुन नहीं पाए, तो पार्डन का यूज़ करेंगे। तो पार्डन जैसे ही बोलेंगे सामने वाले को ये रहता है कि वो अपने शब्दों को रिपीट कर दे, अपने वाक्यों को रिपीट कर दे। दैट्स ऑल राइट, ठीक है, गलती हो गई किसी से तो हम बोलेंगे दैट्स ऑल राइट, ठीक है, गलती हो गई, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जैसे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, गिव मी योर पेन, पर इस सेंटेंस को बोलने का सबसे उचित तरीका यह है मे आई हैव योर पेन प्लीज करके, मे आई हैव योर पेन प्लीज करके रिक्वेस्ट जब करेंगे तो यह सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा नहीं, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज कृपया करके। अब इसमें थैंक्स शब्द का जब इस्तेमाल करते हैं, हम किसी को धन्यवाद देते हैं, तो इसका किस तरह से रिप्लाई किया जा सकता है? थैंक्स का रिप्लाई होता है नो मेंशन, इट्स माय प्लेजर, ऑल राइट, फाइन, ओके, और थैंक यू का वेलकम भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है। किसी को आते हुए स्वागत करने के लिए भी वेलकम, और किसी ने थैंक्स बोला है तो उसके लिए भी वेलकम कर सकते हैं। आप किसी के लिए अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, विश यू हैप्पी जर्नी बोल सकते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। तो ये कुछ मैनर्स के सेंटेंसेस है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मैनर्स पे फोकस लैंग्वेज है, तो आप इनको प्रैक्टिसेस कीजिए, लिखिए और डेली यूज़ में कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।